Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of Python programming and today is day 10. Aaj hum log strings padhne wale hain. So string, as you already know, is a data type jo aapko almost har programming language mein milega, especially un programming languages mein jo application programming languages hote hain, jaise ki Java ya fir Python ya fir C++, jin languages ko use karke aap applications banate ho, websites, mobile apps, software apps, डेस्कटॉप एप्स, गेम्स, इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप होता ही होता है, क्योंकि आपको अपने एप्लीकेशन के थ्रू यूजर से बात करनी होती है और यूजर से बात करने के लिए आपको स्ट्रिंग्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, वेयर एज अगर आप एक सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो वहां पर स्ट्रिंग्स हो सकता है अवेलेबल ना हो, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सिंस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से बात करता है ना कि यूजर से, दैट इज वाई आज तक सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग्स एज अ डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करते. कैरेक्टर्स हैं बट स्ट्रिंग्स नहीं है. ठीक है, सो पाइथन, सिंस इट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इससे आप एप्लीकेशन बनाते हो जो यूजर से बात करते हैं, दैट इज वाई पाइथन में नेटिव स्ट्रिंग्स का सपोर्ट है. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप. और आप ये रियलाइज करोगे जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आप वहां पे देखोगे कि आपको हर पल हर टाइम स्ट्रिंग्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो मैंने सोचा है यहाँ पे मैं 3 वीडियोज में स्ट्रिंग्स कवर करूंगा और फ्यूचर में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा स्ट्रिंग के ऊपर प्रॉब्लम्स के. ठीक है, बट इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम लोग स्ट्रिंग्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उनको कैसे क्रिएट किया जाता है पाइथन में, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उनको डिलीट कैसे किया जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे. और अगले 2 वीडियोज में हम लोग ऑपरेशंस और फंक्शंस की बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे पहले एक सिंपल डेफिनेशन दे देते हैं स्ट्रिंग्स का. स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. सो अगर आपके पास हेलो लिखा हुआ है तो हेलो इज अ स्ट्रिंग, बट हेलो है क्या, इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, HELLO. ये सारी चीजें क्या है, कैरेक्टर्स हैं. तो जब आप कैरेक्टर्स को सीक्वेंशली लिखते हो तो वो स्ट्रिंग बन जाता है. ठीक है, अब अगर आप थोड़े और टेक्निकल टर्म में बात करो, पाइथन के टर्म्स में बात करो कि स्ट्रिंग क्या होता है पाइथन के लिए, तो उसका डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखा है. इन पाइथन स्पेसिफिकली स्ट्रिंग्स आर अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स. ठीक है, अब देखो हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए स्ट्रिंग्स टेक्स्ट इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, राइट. बट मशीन्स कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स को नहीं समझते, मशीन्स सिर्फ बाइनरी को समझता है, नंबर्स को समझता है. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, मतलब मशीन को क्या करना पड़ता है, कि आप कैरेक्टर्स को पहले एक नंबर में कन्वर्ट करते हो, जैसे कि ASCII वैल्यू होता है, और फिर ASCII वैल्यू को आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो जिसको मशीन समझ पाता है, राइट. अब यहाँ पे ASCII ना लिखा हो करके यूनिकोड लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यूनिकोड क्या होता है कि ASCII जो था वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए था. ठीक है, 8-bit था तो 255 कैरेक्टर्स के लिए आपके पास नंबर्स थे, राइट. बट जैसे जैसे और कंट्रीज में प्रोग्रामिंग फैलने लगा और लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट किया जाने लगा, तो वो 8-bit जो ASCII कोड्स थे वो रिडंडेंट होने लग गए, और फिर आया यूनिकोड कैरेक्टर्स, जहां पर आपके पास 10-bit, आई गेस 16-bit आपके पास वैल्यूज होती हैं, और आप बहुत ज्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को प्रोग्रामिंग में लेके आ सकते हो. ठीक है, अब अगर आपको ये पूरी बात समझ में नहीं आई तो ये एक ब्लॉग है, पाइथन का ऑफिशियल ब्लॉग है, यहाँ पे इन लोगों ने समझाया है कि यूनिकोड क्या होता है और उसकी जरूरत क्यों पड़ी. ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा एग्जांपल देके समझाया हुआ है, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको काफी बढ़िया से समझ में आएगा. यहाँ पर यू कैन सी कि 16-bit में कन्वर्ट कर दिया गया और उसको यूनिकोड बोला गया. ठीक है, तो मैं इस ब्लॉग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड आई वुड रिकमेंड एक बार जाके आप इसको पढ़ो, सो दैट आपको यूनिकोड कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. ठीक है, अब इस वीडियो की बात करते हैं, हमें स्ट्रिंग्स को अच्छे से सीखना है, तो मैंने इस पूरे के पूरे पोर्शन को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग्स, फिर उनको एक्सेस कैसे किया जाता है, उनको ऐड कैसे, उनमें नए कैरेक्टर्स ऐड कैसे किए जाते हैं, एडिट कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है, और फिर लास्ट में ऑपरेशंस और फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स. ठीक है, सो पाइथन में अलग अलग तरीके हैं स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के. सबसे सिंपल तरीका तो है कि आप सिंपली सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में किसी भी स्ट्रिंग को लिख सकते हो लाइक दिस, बट पाइथन आपको अलाउ करता है कि आप डबल कैरेक्टर्स भी, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हो लाइक दिस, कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, अब आप सोच के देखो दोनों क्यों अलाउड है.
कुछ स्पेशल सिनेरियोज के लिए, जैसे कि लेट्स से आपको ये प्रिंट करना है, लेट्स से आपको प्रिंट करना है इट्स रेनिंग आउटसाइड। अब इस केस में अगर आप नोटिस करो तो बाहर आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, बट आपके सेंटेंस में बीच में भी एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। अब इस केस में क्या होगा कि आपका पाइथन का कोड कंफ्यूज हो जाएगा कि स्ट्रिंग शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां पे हो रहा है, और वो एक सिंटेक्स एरर थ्रो करेगा, राइट। अब इस केस में आप इस एरर से बचने के लिए बाहर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा सकते हो, उससे क्या होगा आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसका ठीक उल्टा भी ट्रू है, अगर आपने बाहर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया और आपको अंदर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आप बाहर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ रही है। द गुड पार्ट इज कि आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास भी यूज करते हो पाइथन में, आई विल शो यू, दिस इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है, ये स्पेशली आप तब यूज करते हो जब आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिखने होते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के केस में आप ये वाला सिंटेक्स यूज करते हो, ठीक है। कभी कभी आपके पास ऐसे स्ट्रिंग्स होंगे, जैसे आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो, यूजर ब्लॉग टाइप कर रहा है, तो ब्लॉग विल बी अ बिग टेक्स्ट, तो उसको यूज करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए आप ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हो लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। एक और तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं वो है टाइप कन्वर्जन। आप स्ट्रिंग इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो, ये भी आपके लिए काम करेगा, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस टेक्निक्स यूजिंग विच यू कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग, ठीक है।